गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब। ओके, लास्ट वीडियो में आपको रविंद्र सर ने बताया था रीजनिंग अपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मैं राजेश चौधरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। ओके, देखिए रीजनिंग, जो रीजनिंग होती है ना हमारी, रीजनिंग वाला पार्ट होता है, चाहे अपने राजस्थान स्टेट लेवल की भर्तियाँ हों या सेंट्रल लेवल की हों, तो रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग में रीजनिंग तो अपना माइंड का, अपना माइंड हम अगर एज का फोकस कर लेंगे ना तो रीजनिंग हमारा कंप्लीट, और अगर माइंड को फोकस नहीं कर पाएंगे रीजनिंग कुछ नहीं है। कोई शॉर्टली ट्रिक है या कुछ ट्रिक नहीं है हमारे मन में, ये रीजनिंग की ट्रिक जितनी भी हैं। देखिए रीजनिंग है जो हमारी वो टू पार्ट्स में होती है ना, फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है? वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट होता है नॉन वर्बल। ओके, फर्स्ट वाला पार्ट तो था वर्बल वाला और सेकंड वाला पार्ट होता है नॉन वर्बल वाला। वर्बल पार्ट्स देखिए, हमारे जो स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जितनी भी अपनी भर्तियाँ होती है, ज़्यादातर जो हमारा आता है वो कौन सा पार्ट आता है? वर्बल वाला पार्ट। तो हमें ध्यान किस पर ज़्यादा देना है? वर्बल वाले पार्ट्स पे, ठीक है। नॉन वर्बल कम आता है, क्योंकि वर्बल हमारा क्या ज़्यादा आता है, अपने चाहे सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की कोई से भी भर्ती हो, अपने पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, या अपने स्टेट लेवल में जेल प्रहरी कोई से भी भर्ती हो, सब में कौन सा ज़्यादा पार्ट आता है? अपना वर्बल वाला। इसमें देखिए क्या क्या आता है, अपना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं अपने, एनोलॉजी टेस्ट होता है ना, ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, और ऐसे बहुत पार्ट्स हैं इसमें, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वर्बल पार्ट होता है ना, इसमें ये सारे होते हैं अपने, अल्फाबेट, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डाइस, क्यूब्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो रीजनिंग है जो मैंने पहले बताया था, रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, अपना दिमागी खेल है। अगर हमारा दिमाग, हम है ना, अपने दिमाग को स्थिर रख के और जब देखेंगे अपने बिल्कुल इसी पे गौर करके, नहीं तो हमसे सब कुछ हल हो जाएगा। ये नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मुझ पर कैसे होगा, हमें रिलैक्स होकर करना है पेपर में। अगर हम पेपर देने जा रहे हैं, हम पेपर में बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ये सोचेंगे हम पर सब कुछ हो जाएगा, तो हम रीजनिंग को चुटकियों में कर देंगे, कुछ नहीं है रीजनिंग में। देखिए जैसे देखते हैं हम अल्फाबेट्स, हमारा जो रीजनिंग का पार्ट्स है वो क्या है? फर्स्ट में जो वर्बल वाला पार्ट्स है इसमें आता है अल्फाबेट्स, टेस्ट, अल्फाबेट्स, टेस्ट। देखिए अल्फाबेट, इंग्लिश वाले अल्फाबेट होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है? जब अल्फाबेट है ना, हम जब अल्फाबेट्स को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो किधर से कर रहे हैं? देखो हम कहाँ से कर रहे हैं, जैसे हम बोर्ड पे ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? लेफ्ट वाला, ठीक है, और ये कौन सा है? राइट वाला, है ना। तो हम है ना लेफ्ट से है ना बाएं से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये बाएं आता है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और किधर की साइड में चल रहे हैं? राइट साइड में, दाएं में, है ना। तो फर्स्ट में क्या हो गया, हम जो अल्फाबेट्स हैं उनको स्टार्ट करते कहाँ से? बाएं से दायां, ठीक है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब देखो हम बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं इनको, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया इसे? बाएं से, दाएं, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? बाएं से
दाएं, ठीक है, बाएं से स्टार्ट करके हमारा जो बाएं दाएं है ना, वो यहाँ पे बाएं दाएं, ठीक है, अलग नहीं है कुछ भी, हमारा बाएं दाएं वो यहीं पे। और देखो ये तो हो गया बाएं से दाएं, ठीक है, और जब हम वापस इधर चलते हैं तो किधर से हो गया है, दाएं से और बायां, ठीक है, तो दाएं से बायां, ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाएं से दायां, और ये हो गया दाएं से बाएं जब वापस चलते हम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में क्या होता है अल्फाबेट्स में, इनके फर्स्ट सबसे जो मेन बात है क्या, कोई नंबर याद होने चाहिए इनके, कि ए कितने पर है, बी कितने पर है, ओ कितने पर है ना। तो मैं देखो नंबर में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कि मैं उस सर ने बता दिया कि ऐसे रटना है वो रटना है, ये कुछ नहीं है मन में, अरे इनको कितने से टाइम लगता है, 30 सेकंड हम लिख सकते हैं इनको, और इनको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनको। देखो डायरेक्ट हम क्या बताएंगे, देखो जैसे ए वन पे है, बी टू पे है, ये थ्री पे है, ये फोर पे है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। हम देखिए हमें पूरे याद रखने चाहते हैं, हमको बस खाली क्या है, दो तीन छोटे मोटे बस हमको खुद मन से बनाने हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कई बार किस बुकों में भी होता है या नहीं भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक वर्ड्स आता है रीजिंग, आपने पढ़ा भी होगा इजोति, ठीक है, क्या होता है ई ज्योति, ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ई कहाँ पे, ये रहा, जे कहाँ पे, ये रहा, वो कहाँ पे, ये रहा, टी कहाँ पे, ये रहा, और वाई कहाँ पे, ये रहा। अब देखो हम यहाँ पर क्या देखते हैं ई ज्योति में, देखो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव, सॉरी ये ट्वेंटी फोर है, ट्वेंटी फाइव, ओके, तो हो गया ना इजोती में फाइव टेन। तो हमें ना अगर हमें ये याद हो गया इजोती, तो इससे हमें क्या याद रहेगा, अपने जैसे क्वेश्चन में आ जाएगी बाएं से दसवें अक्षर, बाएं से दसवां अक्षर कौन सा होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि बाएं से दसवां निकालना है। तो हमने पेपर लिख लिया ऊपर साइड में इजोती, लिख लिया ना इजोती, तो इजोती लिखा तो इसमें ई आ गया, तो दसवां अक्षर हम देखते हैं तो क्या आता है, सॉरी हम देखते हैं तो दस अक्षर क्या आ गया, टेन, टेन पे कौन सा गया, जे आ गया ना, जे आ गया, सॉरी पहले जी लिख दिया था मैंने गलती से, जे, ठीक है। इसी प्रकार हम कैसे बाएं से दाएं से कोई सा भी, जैसे हमारा ये हमें याद हो गए वर्ड्स, कुछ ज़्यादा नहीं है, ई जे ओ टी वाई, तो इससे हम कोई सब निकाल सकते हैं। जैसे ये पूछे कि अट्ठारहवा अक्षर कौन सा है, तो हम देखते हैं कि पाँच दस पंद्रह ही पंद्रहवा है, ठीक है, तो वो पंद्रहवा हो गया, तो पी सोलहवा हो गया, ऐसे सत्रह अट्ठारहवा ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार निकाल सकते हैं। देखो ये तो हो गया इजोति वाला, ठीक है, एक होता है फिर कौन सा अपना वोवल्स वाला, वोवल्स होते हैं ना स्वर और व्यंजन, ठीक है, तो वोवल्स में जैसे लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं ना, तो ए किस पर आ गया, एक पर, ई किस पर आ गया, पांच पर, आई कितने पर आ गया, नौ पर, ठीक है, और ओ कितने पर आ गया, पंद्रह पर, और यू कितने पर आ गया, बाईस पर, ठीक है। हम देखो ये ज्योति हमारे याद हो गया, तो हम ऐसे इसको याद करेंगे कि वन और फोर फाइव फोर नाइन सिक्स फिफ्टीन और सेवन, देखे यहाँ पर फोर है, यहाँ पर भी फोर है, यहाँ पर कितना है सिक्स है, और यहाँ पर कितना है सेवन, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हमको थोड़ा सा बस दिमाग ध्यान देना है कि इजोति याद कर लिया हमने, और हमको इस साथ में ये याद करना है कि ए ई आई ओ यू जो हमारे स्वर हैं वो बल्स हैं वो कितने कितने पर हैं, ए वन पे फाइव पे नाइन पे फिफ्टीन पे ट्वेंटी टू पर, अगर हमारे ये दोनों लर्न हो जाते हैं तो हम पेपर में चुटकियों में कर देंगे हल क्वेश्चन को। कैसे कर देंगे, जैसे पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अठारहवां अक्षर कौन सा है या बाएं से बाईसवां अक्षर कौन सा है, अब तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, बाईसवां, बाईसवां पूछा है ना, तो हम देखते हैं कि टी है जो किस पर है, बीसवें पर, तो यू और वी कौन से पर जाएगा, बाईसवें पर, तो बाईस अक्षर कौन सा गया, यू, सॉरी वी, ठीक है।
बहुत ईजी ना, अगर हम इनको लर्न कर लेंगे दोनों को, इनमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तो हम कोई सा भी निकाल सकते हैं इसमें, चाहे 20वां हो 22वां हो। ये पूछे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में नी पीछे से चलें और दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, तो कौन सा पूछा है, दाएं से 15वां अक्षर, तो दाएं किधर है, इधर से, ये तो कौन सा, बाएं से दायां, और ये दाएं से बायां, इधर चलेंगे दाएं से, तो दाएं से पूछा तो बाएं साइड चलेंगे ना, तो कौन सा पूछा है, 15वां अक्षर, ठीक है। तो यही सब देखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कौन सा हो गया, L, ऐसे निकल सकते हैं। अगर ऐसे हमको नहीं आ रहा है तो हमारे पास देखो कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ट्रिक है, कैसे ट्रिक है कि दाएं से कौन सा पूछा है, 15 अक्षर पूछा है, तो दाएं से पूछा है 15वां, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 15वां ही नहीं है, और टोटल कितने हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स 26 हैं, ठीक है। तो जब भी हम निकालते हैं 15वां 16वां, तो क्या होता है, हमेशा 27 27 में से ही घटाते, क्यों घटाते हैं, क्योंकि वो अक्षर है जो अगर हम बाएं से लेंगे तो भी आएगा और दाएं से लेंगे तो भी आएगा, तो डबल बार आएगा ना, तो इसलिए एक प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 27, और हमने किसने पहुंचा है, 15 अक्षर पहुंचा है, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया ना, तो बाएं से 12 कौन सा है, हमारा एल है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एल, ठीक है। ऐसे अगर ये पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर 12वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं से पूछा है, अब देखिए ये तो क्या है, बाएं से दाएं, ठीक है, तो बाएं से, लेकिन उसे पूछा है दाएं से, ठीक है, तो दाया ये ना, तो दाएं से 12वां पूछा है, तो कितना है, 27 माइनस का 12, 27 से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आया ना, तो हम बाएं से देखते तो 5 10 15, ठीक है, तो 15 में कौन सा जाएगा, ओ आ गया ना, ये तो हो गया दाएं से और ये हो गया बाएं से। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम बाएं से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट करेंगे, और अगर दाएं से स्टार्ट कर रहे हैं तो बी से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो लर्न हो गए ना हमको, देखो इनमें कितने कुछ नहीं है, बस हमको ये ज्योति और एक ए ई आई ओ यू, इनके बस नंबर याद रखने कि ये 5 10 15 20 और 25 है, और ये 1 5 9 15 और 22 है ना। देखिए अब जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर, देखो आप ना लास्ट में करते, लास्ट मत करो, हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐसे कैसे उसका आंसर साथ में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम हाथ के हाथ रफ कार्य में उसको करने लग जाएंगे कि कैसे होगा। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो बाएं से आया है तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, बाएं से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो बाएं से 20वां अक्षर, तो 20वां अक्षर देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाएं से 20वां अक्षर लिखा है उसमें, तो 20वां अक्षर में देखते हैं ई ज्योति में ई जे ओ टी वाई है ना, तो टी आ गया ना 20 पे, तो क्या गया 20वें पर टी, तो उसने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं किधर, 20वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा पूछा 20 अक्षर के बाएं, देखो यहां तो स्टार्ट हुआ कहां से, बाएं से, ठीक है, दायां, इधर दाएं से बायां, अब देखो बाएं से 20 अक्षर हो गया टी, हो गया ना, उसके बाद दायां, तो दायां किधर है, इधर है ना, तो टी के दाएं तीसरा अक्षर, तो यू
वी और डब्लू, हो गया ना डब्लू तीसरा अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के, वन मिनट सॉरी, हो गया ना। नेक्स्ट भी देखते हैं। देखिए अल्फाबेट्स में ना अर्धांश होते हैं, फर्स्ट अर्धांश और सेकंड। पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश, ठीक है। तो पहला अर्धांश होता है ना, वो होता है ए से लेकर एम तक, और सेकंड होता है एन से लेकर जेड तक। क्यों? ए से एम तक तो हो गए, वन से कहां तक, थर्टीन तक, और सेकंड हो गया फोर्टीन से ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। प्रथम अर्धांश तो हो गया ए से एम तक, और दूसरा हो गया एन से जेड तक, ठीक है, एक से तेरह तक, और ये दूसरा हो गया चौदह से छब्बीस तक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, अर्धांश के हिसाब से आएगा, जो बढ़ चढ़ के आएगा क्वेश्चन बड़े वाला आएगा, जो कैसे आएगा कि आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम प्रथम है जो अर्धांश, उसको इसके अक्षरों को विपरीत लिखने पर, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो प्रथम अर्धांश अपना इसके जो अक्षर है ए से एम तक, इनको विपरीत क्रम में लिखेंगे। विपरीत का मतलब है कि एम से ए तक लिखेंगे, ऐसे एम यहाँ से, अगर जैसे आपको याद नहीं आ रहे हैं, जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं हो पाते, तुम क्या करना, कुछ नहीं करना, पीछे से लिख दो ए बी सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हो गया ना। देखो इनको ऊपर लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नीचे लिख दिए तो एल। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम प्रथम है जो अर्धांश, उसके जो लेटर्स हैं उनको विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिख दिए हमने ये, ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अब तो हमने क्या नीचे लिख दिया बोर्ड पर जगह, इसलिए लेकिन ये क्या आते हैं इनके आगे, तो विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, बाएं से पूछा है, ठीक है, तो बाएं से यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं कि हमें यहाँ से ए, हम लास्ट में ए से स्टार्ट करेंगे, नहीं, बाएं तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं बाएं से छठा अक्षर पूछा है, तो बाएं देखो फर्स्ट में ही आ रहे हैं ना, तो बाएं से देखो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो छठा कौन सा हो जाएगा एच। दोबारा सुनो कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो हम पहले तो क्या करेंगे, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे, हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है, लिख दिया है ना, उसके बाद बाएं से पूछा है तो बाएं से हम लिखना स्टार्ट करते, वहीं से होता है, तो बाएं से एक दो तीन चार पांच और छह, तो कौन सा हो जाएगा एच। और अगर यह पूछे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से दसवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, अब कहां से पूछा है, दाएं से पूछा है ना, अब देखो दाएं कहां से स्टार्ट होगा, ए से होगा ना, जो दाया है जो इधर से इधर चलता है, दाया है इधर चल रहा है बाएं साइड में, ठीक है, दाएं से बायां, ठीक है, दस अक्षर पूछा है, तो ऐसे देखते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो कौन सा हो गया जे, और ऐसे भी ज्योति में दस कौन सा था है जे होता है, ठीक है, ये हो गया दाएं से। तो हमें सबसे बड़ी बात तो हमारे दिमाग में ये बैठानी है
कि अगर ये पूछे बाएं से दसवां या बाएं से बारहवां, बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से हम दाएं साइड में जा रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे ए से, और अगर दाएं से पूछे कि दाएं से इतना अक्षर कौन सा है, दाएं से वो कौन सा है, तो दाएं में किधर आएंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे। और दांश में हमको ध्यान रखना है कि प्रथम अर्धांश ए से एन तक होता है और दूसरा अर्धांश क्या होता है, एन से जेड तक, ठीक है। इनको वो क्वेश्चन में विपरीत में पूछ सकता है या विपरीत में ऐसे पूछ लेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है, पहले तो इनको विपरीत क्रम में लिखना है, उसके बाद इसको भी लिखना है, क्यों, पूरा अल्फाबेट पूछे उसमें, इनको लिखने के बाद बाएं से 18वां पूछा है तो 18वां कौन सा हो जाएगा, एन 14वां है तो 20वां कौन सा है हमारा, टी है, 18वां आर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे। तो रीजनिंग के बारे में बताया कि रीजनिंग कुछ नहीं है, अब देखो हमने क्या किया है, ना तो कोई मैट्रिक है ना कुछ कर, अपने जरूरी थोड़ी हर चीज में ट्रिक घुसाओ, और अगर हम ट्रिक के चक्कर में चलेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पेपर में भूल जाएंगे, वहां जाके याद करेंगे यार कौन सी ट्रिक थी, याद नहीं रहा छोड़ दिया। पर अगर हम हमारे दिमाग से ट्रिक बनाएंगे, हमारे माइंड पर जोर डालकर ट्रिक बनाएंगे, हम रीजनिंग को ऐसे कर देंगे चुटकियों में, कुछ भी नहीं रखा रीजनिंग में, हम तो ऐसे रीजनिंग है क्या, ये तो बस खाली दिमाग का खेल, और है भी दिमाग का रीजनिंग, माइंड प्रॉब्लम, माइंड माइंड में तो अपना हो जाएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा जो अल्फाबेट वाला सिस्टम था उसमें इसी प्रकार निकालेंगे। ये तो क्या मैंने अभी उसके बारे में समझाया, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बारे में और जो भी अपना फालतू टॉपिक है सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको ओनली समझाया है, मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा, पूरे इसके जो शॉर्टली ट्रिक व्रिक जो भी कुछ हैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। और हमारे पास दिन बहुत कम बचे इस बार पेपर के लिए, पता नहीं पेपर कब हो जाएं, ये नहीं सोचना कि हमें कोरोना के चक्कर में पेपर नहीं होंगे, अरे पेपर तो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये याद रखना है पेपर अगले ही महीने में, हमें क्या करना कि ये सोचना है कि पेपर अगले ही महीने में, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो क्या होगा, हमारी रुचि बनेगी इसमें, जब हमारी रुचि बन जाएगी तो हम लगातार करने लग जाएंगे, कुछ नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, अब ज़्यादातर मेन तो है जो ग्रामीण क्षेत्र है, नहीं देख पा रहे हैं सभी घर पर इस टाइम, तो पढ़ाई तो नहीं पा रही, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादातर ऑनलाइन क्या होगा, लोग हैं जो कुछ ज़्यादा अपने इधर उधर का कर देते हैं उसके, मतलब इसलिए अपन लेके आए हैं इस कोचिंग को। तो हमें क्या करना है कि ध्यान से बस सब कुछ करना है, क्या करा रहे हैं सर, क्या नहीं करा रहे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट आपका काम क्या है, वीडियो देखते ही कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना है, क्यों, बेल का आइकन दबाने से हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।